अस्सलाम वालेकुम। MySQL क्रिएट टेबल इज द टॉपिक ऑफ टुडे। MySQL में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। क्रिएट टेबल के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं MySQL में। आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम स्टूडेंट है और इसमें पांच फील्ड होंगे जिनके अलग कॉलम होंगे। पहला कॉलम एस आई डी अंडरस्कोर आई डी होगा, दूसरा फर्स्ट नेम, तीसरा लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल और फिर रजिस्ट्रेशन डेट का होगा। जो एसक्यूएल स्टेटमेंट हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट का नाम, एस आई डी में हमारे पास डाटा टाइप, उसका साइज इंटीजर टाइप है, इसका साइज 6 है, अनसाइंड है और इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर हम फर्स्ट नेम वाला कॉलम क्रिएट करेंगे, ये वॉरचार टाइप है, इसका साइज 30 है। लास्ट नेम वाला हम टेबल क्रिएट करेंगे, ये भी वॉरचार साइज है और इसका साइज भी 30 है। फिर ईमेल भी वॉरचार टाइप डाटा टाइप है और इसका साइज 50 है। रजिस्ट्रेशन डेट टाइम स्टैम्प है। अब हम एक मिसाल देखेंगे, हमने जिसके ज़रिए हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। लोकल होस्ट हमारे सर्वर का नाम है, यूज़र का नाम रूट है और हमने जो पासवर्ड दिया हुआ है वो इस स्ट्रिंग में पास करेंगे। ये तमाम स्ट्रिंग्स हैं जिनके ज़रिए हम पैरामीटर को पास करेंगे हमारे इस डाटा को। अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया तो आप इसको ब्लैंक रखेंगे। डेटाबेस का नाम आगे है, तो डीबी नेम, अभी जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो उसका नाम हमने माई स्टूडेंट रखा था। टेबल भी हम उसी में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, उसी तरीके से सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी का नाम आएगा। जब ये चारों पैरामीटर हम पास करेंगे दुरुस्त हुए तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, वरना हमारा कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट, ये जो आपके पास देख रहे हैं ये दो लाइनें अगर हैं, बैक जो स्लैश जो लगी हैं, इसका मतलब हमने अपने ये कमेंट्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि कोडिंग में हमें क्या बताया गया है। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है डॉलर साइन एसक्यूएल, इसके ज़रिए हम ये पास करते हैं स्ट्रिंग को। इसमें क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है, इसका नाम स्टूडेंट है, इसमें हमने जिस तरह से पहला आईडी रखा इसको हमने इंटीजर टाइप कहा, उसका साइज 6 है। फिर हमने इसको बताया कि ये अनसाइंड है, ऑटो इंक्रीमेंट है और इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। फर्स्ट नेम हमारे पास एक और फील्ड है, कॉलम है, और इस कॉलम का जो डाटा टाइप है वो वॉरचार है, इसका साइज 30 है। फिर हमारे पास लास्ट नेम भी एक अलग कॉलम है, फील्ड, इसका साइज भी 30 है और ये भी वॉरचार टाइप डाटा टाइप है। ईमेल भी वॉरचार टाइप है और इसका साइज 50 है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये टाइम स्टैम्प है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस कंडीशन के ज़रिए अगर हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इको के ज़रिए हमें मैसेज आ जाएगा टेबल स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली, वगरना हमें मैसेज आएगा कि आप एरर है और इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। हमने अभी MySQL क्रिएट टेबल के कोड को एग्जीक्यूट किया और ये देखिए टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमें मैसेज आ गया। हम अपने डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस देखिए माई स्टूडेंट है और इस माई स्टूडेंट में एक टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट के नाम का।